हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि के ब्लॉग्स। जग गया हूँ, ब्रश व्रश सब कर लिया, चाय वाय पी लिया, बैठ गया हूँ। बाहर के चंपू लग रहा है, ब्रेकफास्ट बोल दिया दीदी को बनाने के लिए। गाइस, आपसे आज नया एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अर्बन क्लैब बुक कर दिया था हेयर कट के लिए, मैं जा ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली मैंने नहीं किया था, सारिका ने कर दिया है। तो पता नहीं पैकेज में क्या क्या चीज़ें हैं, हेयर कट तो है ये कॉमन, बाकी और कुछ कुछ बता रही थी वो, तो वो आ गया है। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना लूँ कुछ टाइम लैप्स, एटलीस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा सारी सर्विसेज लेने के बाद, जो जो चीज़ें इसमें मिलने वाली है। वीडियो में देख ही लिया, मेरे नए रूप को देख लो आप। हेयर कट ले लिया मैंने, डिटेनिंग कराई और खुद से ट्रिम करा। तो वीडियो में जो एक्सपीरियंस मेरा था, अर्बन क्लैब का वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कभी अर्बन क्लैब से कुछ किया नहीं था। तो प्राइस ओनली 350 थी। अब यहाँ हेयर कट के लिए बाहर अब जाओगे तो 150 तो ऐसे ले लेता है। फिर डिटेनिंग के लिए आपने देखा वो लगाया, फिर और हेड मसाज भी था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बंदा सही था। और घर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक टाल देने की जरूरत है, क्योंकि टाल वो अपना नहीं देंगे कोविड के टाइम पे। हेड मसाज तो उसने अच्छे से दिया ही दिया, हेयर कट भी कर दी और देख सकते हो हेयर कट भी अच्छा है। साइड साइड से कट कराया और ऊपर में बस सेट कराया था बाल को, और नीचे हेड नीचे की कटिंग देख सकते हो। थैंक्स टू सारिका, उसने बिना पूछे ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं पता दूं आपको, पैसे के मामले में थोड़ा कंजूस हूं मैं। ये सब चीज़ें मेरे को तो ऐसा फील आता है कि 150 में बाल कटता है, क्यों ही ना देना। बट एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट। 350 खर्च हुए पर जो मज़ा आया वो बता नहीं सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात, मेरे से बंदे जो घर से बाहर नहीं निकलने चाहते हैं, घर में बैठे बैठे सब कुछ हो जाए तो फिर क्या ही बात हो। तो गाइस, ज़्यादा आज कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, बाल देखो कि तुम अलग सा ही लग रहा है। ऑफिस से काम आ गया, नया काम जो मिलना था वो साइन हो गया, तो आज से बहुत सारा काम है। मौसम अच्छा है आज, शायद मैंने आपको मौसम का डिटेल नहीं दिखाया है। मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, आप भी देखो और बताओ। ये देखो मौसम बिल्कुल बादल बादल वाला हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि बारिश होने वाली है। काम अपनी काम वाला चीज प्रोसेस में चल रहा है। देखो लैपटॉप खुला हुआ, कोड हो रहा है, यही है चाय। मैं पता बीच में मुझे नींद लग गई थी वो दबा के, मतलब 3 बजे के आसपास चाय बना के लाया, सोचा कि चाय पीऊँगा नींद नहीं आएगी, और मैं चाय पी के तुरंत थोड़ी देर बाद सो गया। एक्चुअली मुझे पता है क्यों हो रहा है ऐसा, कि वर्कआउट जो कर रहे हैं थकावट बहुत हो रही है, बॉडी पेन तो होती है, थकावट होती है, जैसे नींद लगती है बहुत ज़्यादा। सेकेंड टाइम चाय बनाने का टाइम आ गया, फर्स्ट टाइम तो पी के चाय पी के सो गया, सेकेंड टाइम बनाऊंगा और काम करूंगा। बारिश स्टार्ट हो गई, अबे मेरा कैमरा ही नीचे हो गया, आई एम रियली सॉरी। कितनी तेज बूंद निकल रही है और बारिश ऊपर से गिर रही है, चमा चम चमा चम चम। ये देखो वाओ, और मैं कुछ अलग ही लग रहा हूँ बाल कटाने के बाद। बारिश स्टार्ट है, ठंडा ठंडा मौसम। रेडी होकर जिम के निकल गए, आज थोड़ी जल्दी जा रहे हैं, 8 बजने में 15 मिनट लेट है, 10-15 मिनट पहले जा रहे हैं थोड़े। और कुछ अलग सा लग रहा है बाल, अभी सेट नहीं हुआ था, टाइम लेगा सेट होने में। ईट स्लीप स्क्वैट। एक से एक गाड़ी पार्किंग लगी होती है, ये देखो महिंद्रा कौन है, TUV। एक से एक गाड़ियाँ भाई, पैसे वाली कमी नहीं है, ऑडी बॉडी सब है यहाँ पे। चलो जल्दी से करके आते हैं, और कुछ बाहर जाना सामान वामान लाने के लिए। जिम करके आ गए, चलो जी काम याद आ गया, बाहर जाना है। कपड़े भी चेंज किए, ऐसे स्लीपर में जा रहा हूँ, ऐसे जिम वाले ड्रेस में। ये बड़ा वाला लिफ्ट है हमारा, जिसमें सामान वगैरह सब जाता है, बहुत लंबा सा है यहाँ से वहाँ तक। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वॉक कर सकते हैं। चल भाई चल। तो भाई हाथ वहाँ से काम करा, एक्सरसाइज कर, जिम की वजह से जाऊँ भाई।